रमजान देखो कितनी स्पीड में गुजारा है, पता ही नहीं लगा। फ्रेंड्स आज सारे बकाले ही बंद हुए हैं, बेसन का पैकेट लेना भूल गया था तो वापस आया हूँ बेसन लेने के लिए। आया था वो देखे मैंने मिक्स कर दिया और कुछ ऐसी है इसकी हालत निकली। रशियन सैलेड क्या बना दी, घर वालों ने मौके से फायदा उठा के कह रहे पुदीना साफ करो। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। शरबत तीनों बना लो ठीक है, और पालक ला दो और पकौड़े भी बना लो। तो पूरी इफ्तारी मेरे ऊपर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिज़वान शरत हेयर एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम करते हैं और आपको भी वेलकम करते हैं क्योंकि इंट्रो जो है आज अब्दुल्ला साहब ने स्टार्ट किया। तीसरा रोजा जो है हम लोगों का गुजर चुका था, आज चौथी सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान देखो कितनी स्पीड में गुजारा है, पता ही नहीं लग रहा। सो बस चौथी सहरी स्टार्ट हो चुकी है, अभी बस मैं उठा था फ्रेश वगैरह होता और अब्दुल्ला साहब ने भी आज कह रहा है कि रोजा रखना है। इसने सिर्फ फर्स्ट रोजा रखा था फ्रेंड्स, दूसरा भी नहीं रखा, तीसरा भी नहीं हमने इससे रखवाया, अब फोर्थ है, अब इसका हक बनता है तो ये अब रोजा रख रहा है। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं क्या सीन है। अब टोपी उतार दी बदतमीज ने, अभी मैंने दूध वगैरह लेने जाना तो जल्दी से दूध का पैकेट लेकर आते हैं फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भाई जन जिस टाइम रोजा रखना होता है ना उस टाइम ये टैब नहीं यूज करते, उठो आके सहरी करो, सहरी करो, टाइम हो रहा है जल्दी रोजा बंद होने वाला है। यहाँ पर रोजा बंद होने वाला है, तुम मोबाइल यूज कर रहे हो। इधर दो मैं मारूंगा अब्दुल्ला, तंग ना करो, उठ जाओ जल्दी से, और टोपी भी तुमने उतारी, जल्दी उठो आके सहरी करो, टाइम होने वाला है। दरख्वान लग चुका है और रख देते हैं प्लेट्स। बाहर निकला हूँ तो फ्रेंड्स आज सारे बकाले ही बंद हुए हैं, एक बकाला वो एंड पे ओपन है, वहां पर अब जा रहा हूँ मैं दूध लेने के लिए। ये ले लिया दूध का डब्बा। जो है फ्रेंड्स ले लिया, आप चलते हैं जल्दी से और सैरी करते हैं। जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वबी सोमी गदी नबई तो मिन शहर रमदान, पढ़ लिए दुआ और रोज़ा जो है बंद वगैरह कर लिया और मतलब कि सैरी वगैरह कंप्लीट कर ली, अभी अजान हो रही है नमाज़ पढ़ने चलते हैं। गाइस फाइनली नमाज वगैरह पढ़ ली है फजर की, ठीक है अब जा रहे हैं घर। घर जा के जो है मैं सो जाऊंगा और इंशाल्लाह सुबह फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मेरी पूरी डे की रूटीन के रमज़ान में मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है इबादत के साथ साथ। सो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहना, सुबह आपसे मुलाकात होगी। डे टू, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी वाली शॉप पर, वहाँ से कुछ दो तीन चीज़ें लेकर आनी है चटनी वगैरह के लिए, हरा धनिया पुदीना तो वो ले लेते हैं। फ्रेंड्स फ्रूट्स भी ले लिए हैं, कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, अब जल्दी से घर चलते हैं। इफ्तारी का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, अब घर जाके इफ्तारी की करवाते हैं तैयारियां। सो लेट्स गो। पकौड़ों के लिए फ्रेंड्स बेसन का पैकेट लेना भूल गया था तो वापस आया हूँ बेसन लेने। सॉरी यार ज्यादा ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये ना बहुत ज्यादा बोलती है तो इस वजह से फैमिली वाइफ ब्लॉगिंग करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जरा साथ हेल्प करवाने आया क्योंकि बिल्कुल इफ्तारी का टाइम सर के ऊपर है और माशाल्लाह से लेट हो पर है, सारे गप्पों में टाइम लगा दिए बातों में। तो अब जल्दी से फ्रूट्स को कट करते हैं, रशियन सैलेड में इनसे पूछ के बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि कामयाब हो जाऊं। सो अगर ब्लॉग ना बनाऊं तो समझ जाना कि यार मैं बिजी। तो पहले इसमें मैंने डाले 2 चम्मच क्रीम के, टेबल स्पून सिर्फ और सिर्फ मिल्क, बस क्रीम के और मिल्क के बैटर को मैंने मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें मिक्स करके इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़े से बादाम डालते हैं। थोड़े से बादामों को मैंने क्रश किया है, ये अब इसमें डालते हैं। 2 स्पून इसमें डालेंगे शुगर के। तारी में जो है गाइस लेट हो चुके हैं, सारी चीज़ें वगैरह काट ली है, फ्रूट्स वगैरह काट लें, अब जल्दी से इसमें चीज़ें वगैरह डालते हैं और सारों के हाथ पंप खोल के, और अभी तक कुछ भी रेडी नहीं हुआ पता नहीं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये थोड़े से केले, उसके बाद इसमें डालेंगे ये पास्ता मैक्रोनी, ठीक है, और लास्ट में फ्रेंड इसमें डाल देंगे थोड़े से सेब, ठीक है। अब इसको करते हैं मिक्स। जल्दी जल्दी में फ्रेंड जो चीज़ नजर आई, जो जो फ्रूट नजर आया सारा कुछ डाल दिया, अब जो रह गया कोई बात नहीं वो अगली बार डाल देंगे, वो नाराज ना है फ्रूट। सैलेड जो है फ्रेंड्स रेडी नहीं हुई, अभी इसमें क्रीम की कमी है, अब्दुल्ला को मैंने भेजा क्रीम मंगवाने के लिए, तो जल्दी से क्रीम जब तक आती है तब तक हम अपने अंगूरों को जरा वॉश करके इसमें डालते हैं। फ्रेंड्स मैं क्रीम लेकर आया था वो देखा मैंने मिक्स कर दिया और कुछ ऐसी है इसकी हालत निकली, इसके अंदर सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऊपर से इसको डेकोरेट करते हैं। आपके भाई की रशियन सैलेड जो है रेडी हो चुकी है, अब इसे जल्दी से फ्रीजर में रखते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, चिल हो जाए। रशियन सैलेड क्या बना दी, घर वालों ने मौके से फायदा उठा के कह रहे पुदीना साफ करो, पुदीना साफ कर रहा हूँ मैं। किचन को फ्रेंड्स इग्नोर करना, ये है आलू के पकौड़े, ये है मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े, ये है पापड़, ये है दूसरे वाले पापड़। मैं जब ब्लॉग बनाता हूँ ना पीछे से किसी ना किसी ने बोलना ही लाजमी कुछ ना कुछ होता है, मेरा सारा ब्लॉग खराब होता है।
दस्तरखान वगैरह लग चुके हैं, आप जल्दी से चलते हैं रोजा इफ्तार करते हैं। और आज की तारीख में फिर से अब्दुल्ला का रोजा नहीं, तो जल्दी से चलते हैं इफ्तार की टेबल पर। टेबल पर नहीं बल्कि शीट के ऊपर बैठ के दुआएं मांगते हैं। अभी इफ्तार की शीट के ऊपर एक चीज रह गई है, समोसे जो कि अभी फ्राई हो गए। हाय 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 हाय, मजे के समोसे भी लो रेडी हो गए। चलो जी, समोसों को भी अब रख देते हैं अपने इधर दस्तरखान पर। और आई थिंक के जगह जो है एंड हो चुकी है और ये है फुल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। यार कोई माने नहीं रहा, अजान होगी, जल्दी से बैठ के इफ्तारी करो। सबको कह रहा हूँ अजान होगी, रोजा इफ्तार कर लो। कोई यार मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं पर्दा हटा देता हूँ साइड पे ताकि सही आवाज सबको जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़तरतु। इफ्तारी के टाइम पिचका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ्तारी हो चुकी है, अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोगों के चार रोजे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जा रहे हैं घर, फिर मुलाकात करते हैं। थकावट काफी हो गई थी, अब्दुल्ला साहब से लतारा करवा रहा हूँ अपना। ओके कर दूंगा, पहले आप मेरा तो करो। जो है इफ्तारी के बाद का सीन है, दो घंटे बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मैं जो सो गया था, मेरा सर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, अब्दुल्ला से मसाज करवाया था। अभी जो है चाय वगैरह पीते हैं तो सर का दर्द भी सही हो जाए। सारे मेरे से कसम से गुस्सा हो रहे होते हैं यार, कसम से। मैंने आज के बाद व्लॉग ही नहीं बनाना, अफ्तारी भी नहीं बनानी, मैंने बस मैंने कह दिया। नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे नहीं बल्कि सहरी का वक्त हो रहा है, पाँचवीं सहरी है हम लोग की। और आज जुम्मे का दिन है, आप सबको पहला जुम्मा मुबारक इस रमज़ान का। तो जल्दी से सहरी करते हैं, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। रमज़ान में यही रूटीन है, जो भी है वो आपसे शेयर करता हूँ। अभी सोमी का दिन नवाई तो मिन शहर रमज़ान, फाइनली रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ने चलते हैं। यूजुअल गाइस, सहरी हो चुकी है बंद, मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, जमात खड़ी होने वाली है, सब लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सहरी वगैरह हो चुकी है और अब हम लोग सोने लगे हैं। और आज माशाल्लाह से अब्दुल्ला ने दूसरा रोज़ा रखा है, पाँचवें रोज़े को दूसरा रोज़ा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँच हो जाएंगे और इसका दूसरा आज हो जाएगा। तो मज़ा आ रहा है रोज़े रखने का? कैसा एक्सपीरियंस है रोजे रखने का? बहुत अच्छा है। तीस रोजे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आगे जब आप बड़े हो गए इंशाल्लाह फिर रोजे रख। तो बस अभी जो है रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे जुम्मे के वक्त मुलाकात करेंगे। और आज जो है इस रमजान का है फर्स्ट जुम्मा। सलामुअलैकुम एवरीवन, सो अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है और आज है जुम्मे का दिन। आप सबको फर्स्टली जुम्मा मुबारक। अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, बाद में आपसे मुलाकात करता हूँ। जुम्मे की नमाज पढ़ के फ्रेंड्स आ चुका हूँ, अब मैं दिल कर रहा है कि मैं रेस्ट करूँ, मैं ये उतार के वापस ट्राउजर टी शर्ट में आके सो जाऊँ, ऐसा दिल कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, सर में भी दर्द हो रहा है और है भी रोज़ा, कुछ कर भी नहीं सकते। सो ऐसा करते हैं ट्राउजर टी शर्ट्स वापस में पहन लेते हैं और फिर रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। अभी जो है सर का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी बाहर का वेदर देख रहा था, बड़ा आउट क्लास किस्म का लग रहा है। माशाल्लाह बाहर काफ़ी चहल पहल हो रही है। रमजान में फ्रेंड्स हर घर की यही रूटीन होती है, कभी धनिया ला दो, कभी दही ला दो, कभी पुदीना ला दो, यही सीन रहते हैं हमेशा। अल्लाह बताओ रोज़ा कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा। भूख तो नहीं लग रही? लग रही है, लेकिन कुछ नहीं खाना पीना? मैं बता रहा हूँ डिस्पेंसर से कहीं पानी नहीं निकाल? बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। रोज़ा मुकर, रोज़ा मुकरू, मोबाइल नहीं लेते रोज़ों में, पता है? ये तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए मैं मारूंगा एक थप्पड़। बातें ना करो ज्यादा का फ्रेंड्स, गेम बजाना पड़ेगा, जैसी बातें करता है ना फजूल की, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। रोजा खुलने दो एक बार। मैंने मुझे मेरी बुलाया, मम्मा जी क्या काम करवाने के लिए आपने आज बुलाया मुझे? आज फिर से मुझे आपने बुला लिया, खैरियत है? देखो आपका भाई है व्लॉगर, जब तक वो व्लॉग नहीं बनाएगा तो व्लॉग का कंटेंट कैसे निकलेगा? सो भाई इफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, इसलिए मैं किचन में घुस जाता हूँ साथ, ताकि ना कोई ना कोई कंटेंट बच जाया करे सही वाला। तो इस वजह से मैं किचन में आ जाता हूँ, ताकि कुछ भी शूट हो, कुछ भी इफ्तारी का सीन हो वो आप सबसे शेयर। जब भी जो है पूरा एक घंटा रह गया है इफ्तार जी, आज ने किचन में क्यों बुलाया? आज फिर से मैं हेल्प कराऊँ क्या? मैंने भी कुछ नहीं किया। शरबत तीनों बना लो, ठीक है, और पालक ला दो और पकौड़े भी बना लो। ये क्या बात है, ये तो पूरी इफ्तारी मेरे ऊपर आ रही है सर। मेरे साथ सारे मजाक कर रहे थे, लगता है खुद ही सारा काम तो कर रहे हैं सब। ये क्या बात है, अंडों के पैसे दे दिए कि अंडे लेकर आओ? क्या अंडे भी लाना? अंडे ले लो भाई, अंडे लेने जा रहा हूँ भाई। देखो एक घंटा रह गया, अंडे अभी चाहिए इनको फ्राइंग के लिए, शामी कबाब। स्पेशली तीन चीजें लेने आया हूँ, दही पालक और अंडे। तो दही और अंडे तो इधर से मिल जाएंगे, पालक जो है वो सब्जी वाली दुकान पे जाना पड़ेगा। ये आ गए फ्रेंड्स अंडे, एक दो तीन। अंडों की एक खास बात है फ्रेंड्स, एक दो रियाल के तीन अंडे आप लोगों को मिलते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 225 रुपए के तीन अंडे बनते हैं। दही का एक कैन भी लेना। चेक करो मेरी, गर्म ने कहा था पालक लेकर आया, उठा के धनिया ले आया था, दोबारा चक्कर लगा के फिर जाके पालक लेकर आया। अब जाके मिल्क शेक बनाते हैं बनाना।
नाना मिल्क शेक बनाने के लिए आ गए टंटन एंड केले। अभी सोदिया के लंबे वाले, सोदिया में यार हर चीज लंबी लंबी है, कोई चीज भी छोटी नहीं मिलती है। केलों की फ्रेंड्स आपको एक ना खास बात बताता हूँ, छोटे केले होंगे तो पाकिस्तानी होंगे, अगर लंबे वाले केले होंगे तो वो सोदिया के होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। केले जो है फ्रेंड्स मैंने ये इसमें डाल दिए तोड़ के 7-8। ये है फुल फैट 1 लीटर का मिल्क का डब्बा यानी बोतल, ये पूरी इसके अंदर डाल देंगे। को यार इग्नोर करना क्योंकि जब अफ्तारी बन रही होती है ना ऐसे ही होता है, गंद होता रहता है। 7-8 समेटे जी सारी चीजें वगैरह डालिए, हम इसे ब्लेंड करते हैं। सारा डाल देते हैं इसमें। हाँ, चलो शीट पे रखते हैं, ये सारी तैयारी होंगी अफ्तारी की। इंटायर मेन्यू में बनाना मिल्क शेक, टैंग, जामे शीरी, इसके अलावा है समोसे, ठीक है, आलू वाले, और इसके अलावा आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, मिक्स पकोड़े, इसके अलावा चटनी, चना चाट, ये सारी चीज़ें हैं। सही है, फ्रूट्स में अनार, केले, सेब, अंगूर, खजूरें और अनार, ये सारी चीज़ें हैं। माशाल्लाह से आज का तमाम दस्तरखान जो है रेडी हो चुका है। लेट्स गो। रात का वक्त हो गया है, अब्दुल्ला का इतना कमाल का रोजा गुजरा है माशाल्लाह से। मैंने कुल्फी खाई है। अच्छा कुल्फी खाई है, मुझे फिर भी नहीं पूछा। अच्छा जाओ, तो खुद ही मुझे कह दिया कुल्फी। नहीं 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 कहने दो, मैंने आपसे बात नहीं करी। सो बस फ्रेंड्स हो चुका है 5वां रोजा खत्म, इधर ब्लॉग भी खत्म हो गया, 5वां रोजा भी खत्म हो गया। मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।